हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। और आज का ये वीडियो आपका सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी हमें DIY नहीं सूट करती है, कोई प्रोडक्ट बता दीजिए, कोई फेस वॉश बता दीजिए, कोई सीरम बता दीजिए, ऑयली स्किन के लिए क्या करें, एक्ने प्रोन स्किन के लिए क्या करें, या ड्राई स्किन के लिए कौन सी क्रीम यूज करें। तो आप सबके जवाब और सबका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में है। आज मैं आपके लिए कुछ अफोर्डेबल, नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो, यानी कि उनका अपनी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वैसे तो इन सभी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, लेकिन अगर आप इन्हें और भी ज्यादा डिस्काउंट में परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप सीधा पहुंच जाओगे अमेजोन पे। अमेजोन पे अभी एक सेल लाइव है, अमेजोन मानसून कार्निवल, जहां पे आपको 70% ऑफ मिलने वाला है फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट पे, और आपको फर्स्ट ऑर्डर के साथ 20% कैश बैक भी मिले, यानी कि अच्छे डिस्काउंट के साथ आप टॉप, लेटेस्ट एंड ट्रेंडी ब्रांड परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ज्वेलरी, पर्स, हील या कुछ भी एसेसरी आप ले सकते हो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप 30 डेज में रिटर्न भी कर सकते हो। सो गो एंड चेक नाउ। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फेस वॉश से, बिकॉज फेस वॉश हर किसी की नीड है। हमें जरूरत है कि सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर रखें। इसके लिए एक फेस वॉश सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन अगर वो फेस वॉश हमारी स्किन के लिए सुटेबल है तो हमारी स्किन पे बेनिफिट देगा, लेकिन अगर वो हमारी स्किन के अपोजिट है तो उसके साइड इफेक्ट हमारी स्किन में देखने स्टार्ट हो जाते हैं, पिंपल या फिर जलन या एलर्जी, इस तरीके के सिम्टम्स आपकी स्किन में आने। लेकिन हाँ, हम किसी अदर प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के लिए अच्छे होते हैं, सुटेबल होते हैं, तो इसलिए हमें उनकी बात करनी है जो हम सिर्फ इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी खुद से। मेरा फेस वॉश आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि मैं ममाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश यूज करती हूँ, और एक पहला फेस वॉश है जिसके साथ मैं इतने लंबे टाइम से कंटिन्यू हूँ। ये थर्ड बॉटल है, इसके अलावा मैंने एक छोटू यानी इसका छोटा पैक भी आता है, वो भी मैंने इस्तेमाल किया है, और ये फेस वॉश मेरी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। मेरी स्किन कॉम्बिनेटिव है, गर्मी में ऑयली हो जाती है, विंटर में काफी ड्राई हो जाती है, लेकिन हर टाइप या हर मौसम में मैं इसे यूज करती हूँ। लेकिन क्या आपको भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट या मिलाज्मा या ब्लैक तिल वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। ये इसका प्राइस है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप परचेज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। विटामिन सी आजकल हर किसी को नीड होती है, ये हमारी स्किन को प्यूरिफाई करता है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो आप इसको परचेज करके इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, मेरे पास जो नेचुरल फेस वॉश है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने निकलते हैं या बार बार पिंपल की प्रॉब्लम होती है, या आपका जो फेस है वो चिपचिपा रहता है, आपकी स्किन में ज्यादा ऑयल निकलता है, तो आप ये रस्टिन आर्ट का नीम बेसिल फेस वॉश यूज कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव है, आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द क्योर करेगा, और इसको यूज करने के बाद जो भी आपके फेस पे डस्ट, ऑयल या डरनेस होती है वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाती है। आपको इसे दिन में 2 बार यूज करना है। इसका प्राइस मैंने साइड में मेंशन कर दिया है, तो अगर आपके बजट में है और आप एक्ने प्रोन स्किन से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। आप इसके इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हो, इसमें कोई भी हार्मफुल या केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी कि टोटली सेफ एंड नेचुरल फेस वॉश है, स्पेशली एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन के लिए। इसके अलावा आप ये सिरोना का एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। ये भी पैराबेन या फिर केमिकल फ्री है और 100% नेचुरल है, बट ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है, होगा इनके हिसाब से, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसे डेली यूज करोगे ना तो आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, बिकॉज इसमें स्क्रब की प्रॉपर्टीज है, और जिससे हमारा नेचुरल ऑयल खत्म हो जाएगा और हमारी स्किन और ज्यादा फ्लैकी हो जाएगी। अगर आप इसे सेंसिटिव स्किन पे यूज करोगे तो आपकी स्किन में रेडनेस या फिर इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैं इसे क्यों रिकमेंड कर रही हूँ? इससे अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम ज्यादा है या आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जल्दी, तो आप यूज कर सकते हो। ये आपकी स्किन को और आपके पोर्स को क्लीन करके रखेगा और आपको ब्लैक हेड और व्हाइट हेड की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हो। इसका भी प्राइस मैंने साइड में मेंशन कर दिया है, आप प्राइस चेक करके अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। तो मेरे पास तो ये 3 ही फेस वॉश हैं जो कि सेफ और स्किन के लिए नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अपना फेस वॉश है जो कि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे जो विटामिन सी वाला है वो हर टाइप की स्किन के लिए है, सेंसिटिव हो, चाहे ऑयली हो, चाहे नॉर्मल या फिर आपकी स्किन ड्राई हो, तो आप उसे हर कोई यूज कर सकते हैं।
स्किन को साफ करने के साथ साथ स्किन को एक्सफोलिएट करना भी जरूरी होता है, जिससे जो डेड सेल्स है या डेड लेयर हमारी स्किन के ऊपर होती है वो रिमूव हो जाती है। तो अगर मैं आपको कोई बेस्ट नेचुरल और सेफ स्क्रब रिकमेंड करूं तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप यूज कर सकते हो बेला वीटा का ऑर्गेनिक एक्सफोलिएट बॉडी एंड फेस स्क्रब, यानी कि आप इसे अपनी फुल बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हो और ये टोटली नेचुरल एंड सेफ है। मैंने साइड में इसके इंग्रेडिएंट भी मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल भी है, अदर नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे तो अफोर्डेबल है, और इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी स्किन में एक अजीब सा यानी कि अलग सा ग्लो आता है और स्किन में जो भी डेड लेयर या जो भी रफनेस होती है इसको इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, हमारी स्किन बहुत स्मूथ लगने लगती है। तो अगर आप अच्छा कोई फेस स्क्रब चाहते हैं और डेली तो हमें यूज नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ दो बार ही यूज करना है, तो आप ये वाला बेला वीटा का फेस एंड बॉडी स्क्रब इस्तेमाल कर दीजिए। आप इसे यूज करो, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी अपने हैंड में लेके उसमें अपना कोई भी फेस वॉश आपको मिक्स करना है जो भी आप यूज करते हो, और उसके साथ ही आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करोगे तो आपका फेस एक्सफोलिएट भी हो जाएगा और आपका फेस क्लीन भी हो। स्किन को क्लीन करने के बाद हमें स्किन को हाइड्रेट करने की जरूरत है, मॉइस्चर या फिर सीरम का इस्तेमाल करते हैं। आपका भी अपना कोई ना कोई फेवरेट मॉइस्चर जरूर होगा, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास कई ऑप्शन है बट मैं इनमें से एक भी रेगुलर यूज नहीं करती हूँ। इसका रीजन है कि मेरे पास मेरा फेवरेट मॉइस्चर है वादी हर्बल एज डिफाइंड मॉइस्चर, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 80 या 90 रुपीज में आपको मिल जाएगा और आपने इसे कई बार मुझे इस्तेमाल करते देखा होगा, बिकॉज ये टोटली नेचुरल एंड सेफ है। इसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ एंड लाइट वेटेड है, आपकी स्किन में बहुत इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को फुल डे हाइड्रेट करके भी रखता है और हर टाइप के स्किन के लिए सुटेबल है, वैसे नेचुरल एंड सेफ तो है ही। तो अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, मेरे पास ये सिंगल ऑप्शन है जिसे मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, बिकॉज इससे बेस्ट मुझे कुछ भी अब तक नहीं लगा। मेरे पास अदर ऑप्शन भी है बट मैं खुद ही इनको रेगुलर यूज नहीं करती हूँ तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। एंड अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन एंड फेस क्रीम की। तो सनस्क्रीन हाल फिलहाल मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, वो है लोटस ऑर्गेनिक का ये हाइड्रेटिंग जेल सनस्क्रीन, वैसे तो काफी अच्छा है, इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा है और स्किन को अच्छे से कवर करके रखता है, सन से भी प्रोटेक्ट करता है, नेचुरल भी है, बट ये ना क्वांटिटी के हिसाब से काफी महंगा है। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जी कोई अफोर्डेबल सनस्क्रीन बताओ। तो अगर हम अफोर्डेबल की बात करेंगे तो फिर उनका साइज छोटा हो जाता है, यानी कि क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन मुझे तो आपको एक ऑप्शन अच्छा सा देना ही था तो फिर मैंने आपके लिए एक सनस्क्रीन सर्च की और वो है ये जोवीज की सन गार्ड SPF 60 सनस्क्रीन एंड ये 3-in-1 है, यानी कि इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आपको एक इवन स्किन भी मिलेगी और आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी। तो इसके बाद आपको कोई भी BBCC क्रीम अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्राइस है 310, यानी कि उससे कहीं ज्यादा कम है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम है, यानी कि सेम क्वांटिटी में लेकिन ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है और इसका रिजल्ट बाकी की सनस्क्रीन से काफी अच्छा है। आप यूज करके देखना, मैंने खुद यूज किया है, इसके रिव्यू भी काफी अच्छे हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी इसके साथ काफी अच्छा। अगर आप एक अच्छी अफोर्डेबल सनस्क्रीन सर्च करें तो एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड अब बात करते हैं क्रीम की, तो व्हाइटनिंग क्रीम की मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको वैसे अपने फेस को ब्राइटन टच देना है तो आप कोई भी BBCC क्रीम अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लैक्मे CC क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पोन्स BB क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को इंटरनली ग्लोइंग, ब्राइटन, स्पॉटलेस एंड नेचुरली हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप ममार्थ की स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम यूज कर सकते हो एंड ये बहुत अच्छी है, काफी अफोर्डेबल भी है, नेचुरल भी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और ये अभी स्टॉक में नहीं है, तो जब स्टॉक में आ जाए तब आप इसे परचेज कर सकते हो। वैसे अगर आप में से कोई भी इसे यूज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करें। क्रीम के साथ साथ हमारी स्किन को सीरम की जरूरत होती है, बिकॉज सीरम हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, साथ में जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें भी रिड्यूस करता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा सीरम अप्लाई कर रहे हो। ज्यादातर हम विटामिन सी सीरम के बारे में सुनते हैं, बिकॉज विटामिन सी बहुत सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, जो मेन प्रॉब्लम होती है लाइक हमारी स्किन में डलनेस, डार्कनेस, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट या एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं, उन्हें रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो मार्केट में इतने सारे सीरम या फिर इनके ब्रांड हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है डार्क स्पॉट या डिस्कलरेशन की तो आप ममार्थ का विटामिन सी फेस सीरम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट एंड हेल्दी बनाना है, तो आप फिर गुड वाइब्स का ये रोज हिप सीरम यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल है। बट गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट नेचुरल एंड सेफ नहीं है,
वैसे इनके काफी प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट पहले जरूर चेक कर लें। आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड ब्राइटन करेगा। इसके अलावा अगर आप विटामिन सी का कोई अफोर्डेबल सीरम सर्च कर रहे हो तो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। आप ये चाइनीज का डीप रेडियंस विटामिन सी हेलोरोनिक एंड सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम यूज कर सकते हो। ये काफी अफोर्डेबल है और ये टोटली नेचुरल है, और जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये धीरे धीरे करके आपकी स्किन को काफी अच्छे से इनहेंस करेगा और आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये नेचुरल एंड सेफ तो है ही, साथ में काफी अफोर्डेबल है। सिर्फ आपको 179 में 30 ml सीरम मिल रहा है, जो कि बाकी की क्वांटिटी से काफी ज्यादा है। तो अगर आप कोई बेस्ट एंड अफोर्डेबल विटामिन सी सीरम, आप इसे विदाउट एनी डाउट परचेज करके यूज कर सकते। टोनर के लिए मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है जो कि काफी अच्छे हैं और मैंने इन्हें खुद यूज किया है। हाल फिलहाल ये फिनिश हो चुके हैं। तो पहला है मेरा ये फेवरेट गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, जिसे मैंने पूरा खत्म कर दिया है और मैं इसे बहुत इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में तो मैंने बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करके रखता है और एक फ्रेशनेस लेके आता है, यानी कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है। दूसरा ये गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम। विटामिन सी है तो आप जानते हैं कि इसे हम किस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है, जैसे मेरे फेस पे काफी तेल थे, अभी भी बहुत हैं, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी इवनिंग में यूज कर लेती हूँ। और अगर आप टीनेजर्स हैं, और टीनेजर्स के लिए टोनर ज्यादा यूजफुल होता है, उनकी स्किन को टाइट करके रखता है, फ्रेशनेस लाता है, तो आप बायोटेक का ये बायो कुकुम्बर टोनर यूज कर सकते हो। और तीनों ही 200 के अंडर में है, तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हो। और लास्ट बात करते हैं हम फेस पैक की। तो मैं फेस पैक कोई भी रेडी वाला यूज नहीं करती हूँ। आई मीन फेस पैक का मतलब होता है कि आप अपनी स्किन को न्यूट्रिशन दे रहे हो, जिससे हमारे स्किन में जो भी न्यूट्रिशन की कमी है या जो भी विटामिंस मिनरल हमारी स्किन को चाहिए, जिससे हमारी स्किन हेल्दी होती है, वो नहीं मिलेगा, तो फिर हमारी स्किन पे कोई भी फेस पैक लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट है जो कि मैंने अल्प्स गुडनेस से मंगाए हुए हैं, जैसे रोज पाउडर है और ये सैंडलवुड पाउडर है, साथ में नीम पाउडर है, एंड ये टर्मरिक भी है मेरे पास, ऑरेंज भी है। तो ये सारे मैं मंगा के रख लेती हूँ, और जब भी मुझे कोई ऐसा फेस पैक बनाना होता है तो मैं इनके पाउडरों को आपस में मिक्स करके और बना लेती हूँ, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको 100 के अंडर में पैकेट मिल जाएंगे और ये काफ़ी लंबा चलते हैं। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या आपकी स्किन का जो भी टेक्स्चर है, आपकी स्किन जिस भी टाइप की, आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें आप मंगा के, यानी इन्हें परचेज करके रख सकते हो, और आप इनका घर पे DIY फेस पैक बना के यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव या नॉर्मल है तो आप रोज पाउडर एंड सैंडलवुड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑरेंज पील पाउडर और नीम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपको फेस पैक बनाना है, आप 1 टेबल स्पून रोज पाउडर एंड सैंडलवुड पाउडर को मिक्स कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से पेस्ट बना के अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर, और 10 या 15 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा आप अपने फेस को वॉश कर, और इनसे आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड ना ही कोई रेडनेस, इन्फ्लामेशन या पिंपल की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप घर पे इन्हें तैयार करके यूज कर सकते हैं। वैसे हर किसी का प्राइस अलग अलग है, कोई 90 का है, कोई 60 का है, एंड कोई 80 का है, बट है सारे 100 के अंडर आपको। वैसे भी आप अपना कोई भी फेस पैक परचेज करोगे तो आपको 250 या फिर 300 के अंडर में मिलता है। अगर वो नेचुरल है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो आप इन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इनमें और भी बहुत सारे पाउडर लाइक हिबिस्कस पाउडर या फिर लाइकोराइस या हल्दी, टर्मरिक, मुल्तानी मिट्टी, आप जो चाहें वो परचेज कर सकते हैं। तो फेस पैक तो मैं इन्हें ही यूज़ करूँ, अपने हिसाब से इनमें अदर चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, मिल्क, हनी, कर्ड, जो भी आप ऐड करना चाहो आप अपने फेस पैक में वो ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई करिए। था आज का मेरा पूरा वीडियो, जो कि मैंने पूरा आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कुछ भी मैंने इसमें एडिशनली नहीं शेयर किया। वैसे मैं प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको नेचुरल चीजें रिकमेंड करती हूँ तो मैं नेचुरल ही यूज करती हूँ, तभी मुझे पता रहता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है और क्या इसका बेनिफिट है, ताकि आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई वैसे डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो, एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू टू वॉच फॉर वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।